हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो आज एक यूनिवर्सल का नया ही पीसीबी आया है इंडक्टर कुकर का, तो सोचा ये नया है इसलिए इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा समझाई जाए। देखिए पूरा नया है, इसमें मॉसफेट खराब था, हमने मॉसफेट अभी निकाला है, अभी लगाऊंगी। तो कभी कभी क्या होता है, मेटल सेंस नहीं करती है। तो मेटल सेंस नहीं करने का रीजन देखिए कहाँ कहाँ से फॉल्ट आती है मेटल सेंस नहीं करने का। आपका एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, इसमें से कोई एक कैपेसिटर वीक होगा तो मेटल सेंस नहीं करेगा। आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट होने से मेटल नहीं सेंस करेगा। यहाँ पर एक 18 वोल्ट का जीनर रहती है, ये भी शॉर्ट होने से आपका मेटल सेंस नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी कोई भी एक ओपन हो जाने से भी आपका मेटल सेंस नहीं करेगा। ये जो मोटा मोटा वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें से कोई भी एक ओपन होने से आपको मेटल सेंस नहीं करेगा। और ये जो तीनों ट्रांजिस्टर है, इसको ओपन होने से भी आपका मेटल सेंस नहीं करेगा। और एक बात, यहाँ पर क्या होती है, आईसी की ये दोनों पॉइंट में दो दो वोल्ट आना चाहिए। दो वोल्ट नहीं आती है तो मेटल सेंस नहीं करेगा। कभी कभी क्या होती है, आईजीबीटी शॉर्ट हो गया है, आप लोग आईजीबीटी लगा दिया, उसके बाद क्या होती है कि मेटल सेंस नहीं करती है। उसका रीजन क्या होती है, छोटा छोटा फॉल्ट, ये जीनर शॉर्ट हो जाती है। आईजीबीटी आपका शॉर्ट होगा, मेटल सेंस नहीं करेगा, तो जीनर लगा हुआ है तो जीनर को चेक कीजिए। अगर जीनर सही है, रेजिस्टेंस भी सही है, ये वाला रेजिस्टेंस भी सही है, तो आपको क्या करना है, तीनों ट्रांजिस्टर को बाहर निकल कर चेक करना है। ठीक है, तो ये तीनों ट्रांजिस्टर ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग वोल्टेज चेक करना है, दो दो वोल्ट। ठीक है, ये जो आईसी में दो दो वोल्ट आ रही है, ये जो आईसी में दो दो वोल्ट आ रही है यहाँ पर से, ठीक है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस से होके आ रही है, इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस कुछ भी होगा तो यहाँ पर ड्राइव वोल्ट नहीं बनेगा। ड्राइव वोल्ट नहीं बनेगा तो मेटल सेंस नहीं करेगा, तो इसके कारण मेटल सेंस नहीं करती है। कभी कभी क्या होती है, आपको पूरा पीसीबी में आप कंपोनेंट्स चेक कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मेटल सेंस नहीं कर रही है। उसका रीजन क्या होता है, तब इसके जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें सॉफ्टवेयर रहती है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी ने लॉक कर रखी है, ये हम लोग इसको कॉपी या कुछ भी नहीं, री इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। री इंस्टॉल कर सकते सॉफ्टवेयर आपके पास है तो, आप इस नंबर का आईसी मार्केट से खरीद के या इसका दूसरे आप सॉफ्टवेयर का काम जानते हो तो आप कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर रहती है, माइक्रो कंट्रोलर खराब होने से दूसरा पुराना पीसीबी से आपको खुल के लगाना पड़ेगा, या नहीं तो पूरा पीसीबी चेंज करना पड़ेगा।